नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स टू वॉच पे मैं शुचि रूहता आप सबका स्वागत करती हूँ। तो लास्ट वीक मार्केट में हमने एक फिनोमिनल मूव देखा। ओवरऑल अभी तक हमने वीकली बेसिस पे हाईएस्ट क्लोजिंग निफ्टी ने मार्क किया है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 109 लेवल को तोड़ के अभी 106 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है ओवरऑल इक्विटी एसेट क्लास के लिए। इंडिया विक्स 15 का लेवल को भी तोड़ के अब 14.5 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर द बुल्स। सो टिल वेयर विल दिस पार्टी कंटिन्यू? हाउ विल इंडिया रिएक्ट टू इट? यूएस में इन्फ्लेशन डेटा रिलीज हुआ था जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर आया है। सो ओवरऑल इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज बट मार्केट वॉज हैड ऑलरेडी डिस्काउंटेड इट मच फर्दर। सो इंडिया में कौन से सेक्टर्स पे हम फोकस कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक्स है जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं, आइए इस वीडियो पे सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और निफ्टी पे एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये निफ्टी का चार्ट है और वीकली चार्ट सबसे पहले खोलते हैं। तो वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये हम लोग को यहाँ पे एक हाईएस्ट एवर क्लोजिंग मिला है। बिकॉज लास्ट टाइम जब अक्टूबर 21 पे भी मार्केट 80,600 के आसपास टच किया था, वीकली क्लोजिंग वाज नॉट अप टू दैट लेवल, क्योंकि यहाँ का जो क्लोज है आप देखिए 18,338 के आसपास है। यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग दिया है मिला है विच इज 18,255। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव गॉट अ हाईएस्ट क्लोजिंग विच इज 18,362। सो दिस इज द हाईएस्ट एवर क्लोजिंग विच वी हैव गॉट ऑन द निफ्टी। जो 18,100 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था उसको कन्विंसिंगली मार्केट ने ब्रेक किया है एंड फॉलो अप बाइंग हमें देखने को मिला है। आरएसआई अगर आप देखेंगे तो 50 के पास सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक कर रहे हैं विच इज पॉजिटिव। एंड एमएसईडी का जो बाय ट्रिगर है वो इंटैक्ट है और ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है। सो ओवरऑल द मीडियम टर्म स्ट्रक्चर ऑफ निफ्टी इज इंटैक्ट। तो मीडियम टर्म स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तो व्हाट कैन बी द इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन्स एंड व्हाट कैन बी द इम्पोर्टेंट टारगेट लेवल्स? 18,100 जो ब्रेकआउट लेवल था ये एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट रहेगा टू वर्क विथ, बिकॉज यहाँ पे ये मल्टीपल स्विंग टॉप्स है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये जो प्रीवियस स्टॉप है, जो प्रीवियस लेवल जो मार्केट ने टच किया था विच इज अराउंड 18,600 जोन, दैट विल बी द इमीडिएट टारगेट फॉर निफ्टी फॉर द कमिंग फ्यू वीक्स। एंड यहाँ पे मार्केट जब टेस्ट कर लेगा तो हाउ मार्केट रिएक्ट्स अराउंड दिस जोन विल डिपेंड दैट व्हाट नेक्स्ट। अगर हम मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट से निफ्टी का टारगेट निकालेंगे तो मैंने यहाँ पे एक फिबोनाकी एक्सटेंशन ड्रॉ किया था इस जोन पे एंड उसके हिसाब से वी गेट अ 19,500 का टारगेट। सो 19,500 ऑन द कार्ड्स फॉर निफ्टी इन द कमिंग मीडियम मंथ, मतलब मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब 6 to 8 months पॉइंट ऑफ व्यू का अगर हम व्यू ले तो यस 19,500 वी कैन एक्सपेक्ट ऑन निफ्टी। डेली चार्ट सेटअप अगर हम लोग आप देखें तो डेली चार्ट पे आप देखें यहाँ पे हमने एक पुल बैक देखा था एंड यहाँ पे डोजी पैटर्न के बाद यूएस में जो इंटरनेशनल डेटा रिलीज हुआ इन्फ्लेशन का, उसके बाद वी हैड अ गैप अप ओपनिंग एंड अ फॉलो अप बाइंग सपोर्टेड विथ वॉल्यूम्स। सो अगेन 18,100 एज पर द डेली चार्ट्स ऑल्सो एंड ये जो डोजी का लो है विथ द प्रीवियस स्विंग लो विच इज अराउंड 18,000 जोन, 18,950 टू 18,000 जोन, ये एक लक्ष्मण रेखा सपोर्ट अब हम बुल्स के लिए मानेंगे। तो कोई भी डिप अराउंड 18,000 या 17,950 इज अ वेरी गुड जोन टू अक्यूमुलेट एंड बाय इन द डिप्स एंड ओवरऑल वी कैन एक्सपेक्ट 18,600 इन द कमिंग वीक। मोमेंटम इंडिकेटर की बात करें तो आरएसआई इज हिटिंग द 70 जोन। द मोमेंट वी क्रॉस द 70 लाइन, ये 70 को अगर इस क्रॉस करता है तो यहाँ से हम फर्दर बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। मूविंग एवरेजेस का सेटअप भी काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज
मार्केट में जो अब 2 दिन का पुल बैक आया था, जिसके कारण कुछ इंडिकेटर्स जो ओवरबॉट हो गए थे वो वापस कुछ सूट आउट हुए, एंड प्राइस अपने मूविंग एवरेज 13 पीरियड मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेके वहां से बाउंस बैक किया है. तो ओवरऑल वी नो दैट द ट्रेंड ऑफ निफ्टी इज क्वाइट. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, उसके बाद बाकी और सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे. तो बैंक निफ्टी, जैसा कि हमने लास्ट वीक भी कहा था कि ये जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, विच इज 41,300-400 जोन जो था, उसपे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये एक्ट कर सकता है. एंड एक्चुअली 2 वीक्स मार्केट ने वहां पे रेजिस्टेंस लिया. ये वीकली चार्ट है और अगर आप देखेंगे तो 2 हफ्ते तक मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा था. एंड फाइनली लास्ट वीक हमने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया एंड वी हैड अ क्लोजिंग अबव दिस रेजिस्टेंस. तो ओवरऑल बैंक निफ्टी हैज आल्सो गिवन अ वेरी पॉजिटिव ब्रेकआउट, ऑल थैंक्स टू द पीएसयू बैंक सेक्टर. और वीकली सेटअप पे अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे, यस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 41,500 एंड 40,800, ये जो 2 लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन होगा बैंक निफ्टी के लिए फ्रॉम अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो द इमीडिएट टारगेट इज 42,300. मैंने कैसे ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पे एक अगेन फिबोनाकी एक्सटेंशन ड्रॉ किया था, मैं करके दिखाती हूँ. तो थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं. तो ये देखिए 42,300 से 400 जो जोन है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है. एंड उसके बाद जो हमें नेक्स्ट लेवल मिल रहा है वो है 43,550 का. सो दैट इज द 2 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स और द टारगेट विच वी कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग फ्यू वीक्स फॉर बैंक निफ्टी. सो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर हैज बीन गुड. डेली चार्ट सेटअप पे देखेंगे तो एक तो डोजी फॉर्मेशन हुआ है विच इज अ साइन ऑफ इनडिसिसिवनेस. सो अगेन अ ब्रेक ऑफ दिस डोजी लो विच इज 41,800, यहाँ पे अगर ये ब्रेक करेगा तो इस गैप को फिल करने का अटेम्प्ट हो सकता है विच इज 41,600, विच विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी. नेक्स्ट अब बात करते हैं कि सेक्टर्स की, कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में अब हम फोकस कर सकते हैं. तो स्टॉकेज के जो नया सेक्टर रोटेशन ऐप है उसको हमने खोल के देखा. आई विल जस्ट शो यू. आई विल जस्ट, तो यस तो स्टॉकेज के ये सेक्टर रोटेशन ऐप को हम देखते हैं तो मैंने देखा कि बैंकिंग सेक्टर अगेन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं. और डिलीवरी पे अगर चलते हैं तो कौन सा सेक्टर है जहाँ पे वॉल्यूम एंड डिलीवरी हमने देखा, तो आईटी सेक्टर. यहाँ आईटी सेक्टर इज शोइंग कि वॉल्यूम के साथ डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुआ है बिकॉज मार्केट कैप में इंक्रीज हुआ है. नाउ वीवैप में देखते हैं तो वीवैप कौन सा स्टॉक सेक्टर है जो वीवैप के ऊपर या नीचे ट्रेड कर रहा है. तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर ऊपर आ रहा है एंड 55% स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव द वीवैप. नाउ द थिंग इज कि जब आईटी सेक्टर की बात कर रहे तो द यूनिवर्स इज लार्ज बिकॉज ये कंप्लीट आईटी सेक्टर को ले रहा है एंड अप्रोक्सीमेटली 259 स्टॉक्स इसके अंदर है. तो डीप डाउन करके अगर इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे मैंने इनको स्टडी किया एंड वन ऑफ दी वेरी प्रॉमिसिंग स्टॉक्स जो मुझे लगा वो है एलटीआई. वील टॉक अबाउट स्टॉक्स इन डिटेल, पहले सेक्टर की बात करते हैं. तो सेकंड सेक्टर जो कि पॉजिटिव लग रहा है वो है मेटल. लास्ट वीक भी हमने मेटल्स को आइडेंटिफाई किया था यही स्टॉकेज के सेक्टर रोटेशन ऐप से. एंड अगर आप देखें तो लास्ट वीक हमने एक अच्छा खासा फॉलो अप बाइंग मेटल सेक्टर पे देखा है.
एंड ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा पैटर्न ब्रेकआउट हमने देखा है एंड आफ्टर अ पुल बैक टू द ब्रेकआउट लेवल अगेन इसमें हमने फॉलो अप बाइंग देखी है. इंडिकेटर्स जो है वो काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है. सो मेटल सेक्टर स्टिल लुक्स वेरी गुड एंड इट कैन टच एंड गो टू द प्रीवियस हाइज ऑफ 6800 ओवरऑल. सो मेटल सेक्टर पे पैटर्न ब्रेकआउट है. सो ओवरऑल आईटी सेक्टर, बैंकिंग एंड मेटल्स, ये तीनों काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है मार्केट पे जिसमें हम अभी फोकस कर सकते हैं. अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक में सबसे पहले मैं रिलायंस के बारे में बात करूंगी कि व्हाई, बिकॉज रिलायंस अगेन इज अ मार्केट मूवर, इट इज अ हेवी वेट एंड रिलायंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव. अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न ब्रेकआउट हमें मिला है एंड इस पे हमने फॉलो अप बाइंग देखी. ये जो रेजिस्टेंस जोन था 2600 के आसपास, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर हमें एक क्लोजिंग मिला है विच इज 2630 का. तो रिलायंस लुक क्वाइट पॉजिटिव एंड इट कैन टच द फर्स्ट टारगेट विल बी 2680 जो कि ये प्रीवियस स्विंग हाई है एंड 2680 के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट द रिलायंस स्टॉक प्राइस टू टच 2800 एंड 3000 लेवल्स इन द मीडियम टर्म. आरएसआई एंड एवरीथिंग इज क्वाइट पॉजिटिव इन रिलायंस एंड अगर हम मूविंग एवरेजेस का सेटअप देखेंगे रिलायंस पे तो वो भी काफी पॉजिटिव है क्योंकि हमें एक बुलिश क्रॉसओवर रिलायंस पे मिल रहा है ऑन द वीकली चार्ट्स एंड ऑन द डेली चार्ट्स. अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पे वी ऑलरेडी गॉट अ बुलिश क्रॉसओवर एंड फॉलो अप बाइंग हम इस स्टॉक पे देख सकते हैं. सो ओवरऑल रिलायंस लुक्स पॉजिटिव. सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट होगा 2550 का और रेजिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो 2670 विल बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर रिलायंस. इनफैक्ट रिलायंस हमने लास्ट 2-3 वीक्स बैक भी कवर किया था इस स्टॉक को जब काफी पॉजिटिव लग रहा था समवेयर अराउंड यहाँ पे एंड उसके बाद हमने ऊपर देखा. अब यहाँ से फर्दर ऑन बाइंग हम देख सकते हैं. नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है आईटी सेक्टर से बिकॉज आईटी एज वी फिगर्ड आउट फ्रॉम द सेक्टर रोटेशन ऐप इज लुकिंग क्वाइट पॉजिटिव. तो LTI, लार्सन टूब्रो इन्फोटेक, LTI स्टॉक लुक्स क्वाइट पॉजिटिव. यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का हमें ब्रेकआउट मिला है और इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव बेस एंड वॉल्यूम एक्टिविटी हमने देखा है स्टॉक पे. मूविंग एवरेजेस अगर देखेंगे सो मूविंग एवरेजेस आर ऑल्सो गुड. देखिए ये 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है फर्स्ट टाइम आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब अप्रैल 2022 को ये जो मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड किया वो अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे नवंबर 2022 पे इसने क्रॉस किया एंड प्लस द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इज मीटिंग द लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज विच इज अ पॉजिटिव साइन विच इज अ वेरी बिग बुलिश ट्रिगर. एंड ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था 5000 का वो भी LTI ने क्रॉस करके हमें क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर मिला है. सो ओवरऑल LTI इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो यस ये जो यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है दैट कैन एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच इज समवेयर अराउंड 4900 एंड मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस स्टॉक कैन टेस्ट 5850 लेवल जो कि ये फॉल जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहां पे है. सो ओवरऑल LTI का स्ट्रक्चर लुक्स क्वाइट पॉजिटिव. नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है जोमैटो. अगेन जोमैटो इज कमिंग अंडर द आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर ओवरऑल दो इट इज फ्रॉम द क्यूएसआर सेक्टर बट इट कम्स अंडर दैट बास्केट. तो जोमैटो हमारे फिल्टर पे आया वहां पे हमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट इधर दिख रहा है प्लस इट हैव कम आउट विथ अर्निंग्स विच वॉज गुड. लॉस जो प्रीवियस क्वार्टर है उससे कम हुआ है. ओवरऑल विथ पॉजिटिव आउटलुक एंड रिजल्ट Zomato has given a price volume breakout and it has crossed its multiple swing highs. यहाँ पे अगर देखेंगे तो multiple swing highs था plus जो Bollinger band था यहाँ पे हम एक squeeze देख रहे हैं और उसके बाद expansion, band expansion है. तो expect कर सकते हैं कि आने वाले दिनों पे ये higher levels को test कर सकता है. अब Zomato को अगर हम averages Zomato पे plot करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ऑन दी ओवरहेड एट 77 लेवल्स इज दी 200 DMA. तो 277
इज विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस, एंड इसको अगर जोमैटो क्रॉस करता है तो जो नेक्स्ट लेवल द जोमैटो कैन टेस्ट इज 85 लेवल. सो ओवरऑल फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जोमैटो लुक्स गुड. सपोर्ट की बात अगर हम करेंगे तो 65 विल बी द इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर जोमैटो. नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है मेटल सेक्टर से, सिंस वी आर बुलिश ऑन मेटल, जिंदल स्टील. अगेन जिंदल स्टील हैज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक अंडर द मेटल सेक्टर. और यहाँ अगर आप देखेंगे तो RSI इज अबव 50 एंड कॉन्स्टेंटली राइजिंग. RS की बात अगर हम करेंगे जिंदल स्टील पे तो दैट हैज बीन इन द पॉजिटिव जोन एवर सिंस एंड हैज गिवन टू ये जीरो लाइन से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है एंड सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर है. सो ट्रेंड इज पॉजिटिव, मोमेंटम इज ऑल्सो पॉजिटिव इन जिंदल स्टील. वी कैन एक्सपेक्ट हायर लेवल. सपोर्ट की बात करेंगे तो 475 विल बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट. एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसका कोई ओवरहेड रेजिस्टेंस नहीं अपार्ट फ्रॉम दिस गैप विच इज 517 रुपीज. 517 के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो होगा 550. सो जिंदल स्टील एंड पावर कैन टेस्ट दीज लेवल्स इन द कमिंग फ्यू वीक्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन टाटा स्टील आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट. एकदम सबड्यूड स्टॉक था काफी दिनों से एंड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली हमें एक RSI पे पैटर्न ब्रेकआउट मिला है. यहाँ इसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट है और यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते कि टाटा स्टील जो 107.6 है इसका इमीडिएट ओवरहेड रेजिस्टेंस है 109. द मोमेंट 109 इज टेकन आउट द स्टॉक कैन टेस्ट 113 एंड देन 126. तो दीज आर द टू पॉसिबल लेवल्स. तो वी विल वेट फॉर द स्टॉक टू गेट पास्ट 109. 109 के ऊपर ही हम इस पे पोजिशन बना सकते हैं. ये यहाँ पे एक ट्राइंगल ब्रेकआउट के बाद टेस्ट किया है उस ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर एंड फिर हमने फॉलो अप बाइंग देखी है. व्हाई विड वी वांट टू वेट फॉर दिस 109 लेवल? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो मल्टीपल स्विंग हेड्स है यहाँ पे बार बार मूविंग एवरेजेस को ये क्रिस क्रॉस किया है. सो दिस डिपेंड्स, दिस डेफिनेटली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन. तो ओवरऑल फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड स्टेटस वंस 109 लेवल्स इज क्रॉस्ड कन्विंसिंगली टाटा स्टील लुक्स क्वाइट गुड फॉर द फर्दर अपसाइड. एंड बाय द टाइम 109 इज क्रॉस्ड मेरा जो ये RS है वो भी मोस्ट लाइकली पॉजिटिव जोन में चला जाएगा. तो दोस्तों ये तो था कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिसपे हम आने वाले दिनों पे फोकस कर सकते हैं. निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड अप है बट अपने रिस्क रिवॉर्ड को और अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को ध्यान में रखिए. कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है उसमें क्वालिटी स्टॉक्स में घुसिए. थैंक यू एंड धन्यवाद.